पेशेंट की बहुत बुरी हालत है भैया, पेशेंट पर क्या है, पेशेंट है और रोड पर है इनकी मम्मी के साथ। साहब कुछ करिए ऐसा कि जिंदगी बच जाए या फिर खत्म कर दिया जान दे के इंजेक्शन, जो हमारी माताएं बहनें जितनी एडमिट हैं उनको इंजेक्शन दिलवा दीजिए, मर जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्विक पर न्यूज चैनल और आज हम बात करते हैं हाई रे ऑक्सीजन। कोरोना, मौत, सन्नाटा, शमशान, कब्रिस्तान, अस्पताल, ऑक्सीजन, रे ऑक्सीजन, जिसने एक नहीं लाखों लाशों का इतिहास बना दिया भारत को। कौन है इसका जिम्मेदार, कौन है जो इसकी जिम्मेदारी लेगा, नहीं तो फिर सत्ता पर बैठने का हक कैसे जताते हैं? अगर बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव नहीं होते तो शायद भारत शमशान नहीं बनता। चाहे चुनाव कोई जीते, परंतु इतने तो तय है कि इतिहास उस सत्ता के दरिंदे को कभी माफ नहीं करेगा। एक गरीब आदमी सिस्टम और अमीर आदमी की पहुंच से हमेशा से बाहर रहा है। सच तो यह है कि कोरोना के कहर ने लगातार 7 दशकों तक की गई स्वास्थ्य क्षेत्र की आपराधिक उपेक्षा के सरकारी पाप की गठरी को खोला नहीं है, बल्कि उसको पूरी तरह फाड़कर उसकी धज्जियां उड़ा दी है। अतः कोरोना काल से पहले भी मुख्यमंत्री से लेकर सरकारी तंत्र के सबसे निचले स्तर के स्वास्थ्य कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर तक को जमकर कोसने गरियाने के बाद कुछ लोगों की ईगो भले ही संतुष्ट हो सकती है, थोड़ी वाहवाही लूटी जा सकती है, लेकिन इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। पीएम मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतिहास में अकेले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा किए गए इस पाप का प्रायश्चित करने का प्रयास प्रारंभ किया है। वीडियो के अंत में इसका उल्लेख करूंगा। आज उपरोक्त स्थिति के किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। स्वर्गीय कवि दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियां में अपनी बात कहूं तो इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म है। उपरोक्त संदर्भ में राजनेताओं की दूषित प्राथमिकताओं की केवल एक उदाहरण नहीं बल्कि सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। आज सन्नाटा पसरा हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार अकेले मोदी जी हैं या आजादी के बाद बनी हमारी तड़ा हुआ सिस्टम? असल में सच कहें तो सिस्टम को जनता से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान में नौकरशाहों, रईसों और नेताओं की शाम को होने वाली निजी बैठकबाजी असली राजनीतिक मात्र बनकर रह गया। मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के इतिहास में अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 2017 में सत्ता संभालने के साथ ही स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा लगातार किए गए उपरोक्त पाप का प्रायश्चित करने का संकल्प लिया और इसके लिए ठोस प्रयास प्रारंभ किए, लेकिन महामारी के विकराल रूप के आगे यह प्रयास बौने सिद्ध हो रहे हैं। क्या इसके लिए उसी आदमी को कोसना शुरू कर दिया जाए जो प्रयास कर रहा है? कैसी लगी आपको हमारी ये जांच पड़ताल? अगर आप हमारे जांच पड़ताल से संतुष्ट हैं, आप चाहते हैं कि ऐसे ऐसी और खबरें हम आपको दिखाएं, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।